जब इसमें फल आएगा तब मैं और एक वीडियो करके आप लोगों को फल दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष्मान और आप लोग देख रहे हो माय वर्क माय फ्यूचर। आज सुबह सुबह मैं लगाने वाला हूँ ऑरेंज का पौधा। ये देखो, ये है, ये देखो लीफ कितना लंबा लंबा है। इसको मेरे पापा ने बाजार से खरीद कर लाया। ऑरेंज खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसमें विटामिन सी रहते हैं। मेरे पापा मेरे लिए हर रोज लाते हैं और मैं खाता हूँ। कुछ दिन बाद मेरे पौधे में भी ऑरेंज आएगा और मैं खाऊंगा। इसमें अगर आपको भी ऑरेंज खाना है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी देखो मैं किस तरह से ऑरेंज के ट्री को लगाता हूँ। सबसे पहले कांची से गड्ढा खोदना होगा और उस गड्ढे के नीचे थोड़ा गोबर देना होगा। अगर गोबर नहीं है तो कंपोस्ट सार देना होगा। गड्ढा छोटा नहीं होना चाहिए, गड्ढा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी मेरा गड्ढा हो गया कंप्लीट। अभी इस पौधे को लगाऊंगा। एक चाकू से इस काले प्लास्टिक को काटना होगा, नहीं तो पौधे की जो जड़ है वो बढ़ नहीं पाएगा और पौधा मर जाएगा। इसलिए प्लास्टिक को काट के फेंकना होगा। पौधा जब बड़ा हो जाता है तब प्लास्टिक की कुछ जरूरत ही नहीं। अभी पौधे को गड्ढे में रख देता हूँ और उसके चारों तरफ माटी से भर देता हूँ। पौधे के लिए माटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए माटी अच्छा हो ख्याल रखना चाहिए। पौधे माटी से खाता है और पौधे माटी से पीता है, इसलिए माटी अच्छा हो तो पौधे के लिए भला है। जब माटी में और गोबर मिला दो तब अच्छा है। मैंने गड्ढे को माटी से ऑलमोस्ट भर दिया। अभी इसमें थोड़ा पानी देंगे, मैं पानी ला रहा हूँ। पानी ले लो, पानी पानी ले लो, पानी ठंडे ठंडे पानी। पानी दे दिया और इसके लिए थोड़ा गोबर लाना पड़ेगा। मैं गोबर लाता हूँ। देखो यहाँ मेरा गोबर है।
दिखा सुनो ना जाओ अमिया अमिया अमि दूर एक तो गोबर के से बोल रहा था छुट्टू लेडी के तब मैं यहाँ से गोबर ले रहा हूँ और और काऊ के गोबर को काऊडंग कहते हैं गोबर देने से मेरा ऑरेंज ट्री जल्दी ग्रो करेगा जब इसमें फल आएगा तब मैं और एक वीडियो करके आप लोगों को फल दिखाऊंगा इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू फॉर वाचिंग